कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के महासचिव के पद पर तैनात और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि रावत असम के प्रभारी के पद पर पार्टी में कार्य कर रहे थे। उन्होंने असम में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद का त्याग कर दिया। ज्ञात हो कि बीते कल ही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी को मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद राहुल आज मानहानि केस मामले में मुंबई की एक अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। यहां मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन पर लगातार हमला हो रहा है, लेकिन वो हमलों का सामना करते रहेंगे। ये विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो गरीबों, किसानों और मजदूरों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने अपनी बात कोर्ट में कह दी है, विचारधारा की लड़ाई है, मैं गरीबों, किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा हूँ। आक्रमण हो रहा है और मजा आ रहा है, मैं 10 गुना ताकत से लड़ाई जारी रखूंगा। न्यूज डेस्क, स्टोरी हब। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।